नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश में बादल फूटा, जमकर बारिश हुई है, नदी नाले सभी उफान पर आ गए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर सूपड़ा साफ हुआ है और आज भी यहां पर जमकर बारिश होगी। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार पानी का बहाव सड़कों पर चल रहा है। ओडिशा के तट पर चक्रवातीय एक्टिव शुरू हो गई है, जिसके चलते दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल, सागर, उज्जैन, रीवा, शहडोल, इंदौर समेत दोस्तों अनेक जिलों के अंदर दोस्तों जमकर बारिश, आंधी तूफान चलने वाला है और यहाँ पर भारी भयंकर बारिश के आसार व्यक्त किए जा रहे हैं। जमकर बारिश हुई, कल भी शहडोल के अंदर भारी भयंकर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने इंदौर, धार, रतलाम, उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा में अगले 24 घंटों में भारी से अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रीवा, शहडोल, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम और उज्जैन में भी गरज चमक के साथ भारी दोस्तों बारिश हो सकती है। साथ ही यहाँ पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। कल शहडोल के अंदर भारी भयंकर बारिश के चलते एक मकान गिर गया है, जिसमें 3 लोगों की अब तक मौत हो गई है। बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इन सभी जिलों के अंदर दोस्तों अलर्ट जारी कर दिया है। यहाँ पर भारी से अत्यंत भारी बारिश की वजह से नदी नालों में दोस्तों भयंकर पानी आया है और दोस्तों कुछ घरों के अंदर भी पानी जाने लगा है। अभी से ही दोस्तों हाल बेहाल हो गया है मध्य प्रदेश और अब दोस्तों यहाँ पर मानसून एक्टिव हो रहा है, जिसके चलते भारी भयंकर बारिश होने की प्रबल संभावना। मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में आज जमकर बारिश होने की प्रबल संभावना। आपसे विनती है कि भारी बारिश के चलते बाहर ना निकलें और खेत खलिहानों पर काम करने ना जाएं। भारी बारिश के चलते पेड़ के नीचे खड़े ना हों, क्योंकि आकाश से बिजली गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। और आपके जिले का वर्तमान मौसम कैसा है कॉमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।